जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जयनगर के युवाओं के द्वारा किया जा रहा पौधारोपण। मधुबनी जिला के जयनगर शहर में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा प्रत्येक रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम किया जाता है। इसी कड़ी में इस रविवार को प्लस टू हाई स्कूल जयनगर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के पौधे का रोपण किया गया। इस अवसर पर जयनगर के प्रखंड प्रमुख सह फिटिनिटी ग्रुप के अध्यक्ष सचिन सिंह ने कहा कि मनुष्य को वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए। वे उनके मित्र हैं जो सुख दुख में उनकी मदद करेंगे और हमें सबको एक वृक्ष तो अवश्य लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पेड़ लगाए तो प्रति वर्ष करोड़ों पेड़ लग जाएंगे। वृक्ष हैं तो हम हैं, इसलिए सब लोग वृक्ष लगाएं और इस पावन कार्य में सहभागी बने। मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा जो पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर मॉर्निंग वॉक के सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि मॉर्निंग वॉक टीम के द्वारा लगभग 4 महीनों से यह पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस अवसर मॉर्निंग वॉक ग्रुप के टीम ने कहा कि यह पौधारोपण कार्यक्रम हम लोग के द्वारा 16वें सप्ताह से किया जा रहा है। पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान संपदा है। धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में पेड़ों का बहुत महत्व है। पेड़ पौधे जलवायु को संतुलित रखते हैं। वृक्ष लगाने से पर्यावरण दूषित होने से बचेंगे। मनुष्य द्वारा निकाली गई जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष स्वयं शोषित कर जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए वृक्षों की रक्षा करना, पौधों को लगाना महत्वपूर्ण कार्य है। इस अवसर पर जयनगर के प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, हाई स्कूल के शिक्षक जय प्रकाश प्रभाकर, पप्पू कुमार राय, दीपक सिंह, प्रशांत झा, संतोष कुमार, पप्पू कुमार पूर वे, लक्ष्मण यादव, विशाल कुमार, नवल किशोर, अरुण कुमार, नौ शून्य सरफराज, रितेश कुमार, सानू कुमार, अनमोल कुमार, कृष्णा कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, सेफ्टी लाइफ। आज जो पौधारोपण कार्यक्रम हुआ है, कहाँ पर हुआ है ये? आज पौधारोपण का कार्यक्रम प्लस टू हाई स्कूल में जयनगर में हुआ है। मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा उनके साथ हम भी हैं यहाँ पे। बेसिकली पौधारोपण का कार्यक्रम ये लोग हमेशा करते आए हुए हैं और बहुत अच्छा है कि अभी के डेट में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही समस्या हो रहा है। फ्यूचर बहुत बुरा होने वाला है, अगर अभी से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फ्यूचर बहुत ही बुरा होगा। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर के जनरेशन को बचाना है तो पौधारोपण पर ध्यान देना होगा। और एक आदमी अगर एक पौधा भी लगाता है तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा आने वाले जनरेशन का। आपका परिचय? मेरा नाम सचिन सिंह, प्रखंड प्रमुख जयनगर। सर, मॉर्निंग वॉक ग्रुप 4 महीने से लगभग पौधारोपण कर रहा है, तो ये जो कार्यक्रम कर रहा है तो कैसा आपको लगा? ये काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम तो ये बच्चों सबसे चाहेंगे कि ये काम लगातार करते रहे, आगे करते रहे। शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं इन लोगों के लिए। एक सराहनीय कार्य है, ऐसा बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसको जितनी प्रशंसा की जाए, बहुत अच्छा काम है ये। सर, आपका परिचय? सर, मैं जय प्रकाश प्रभाकर, प्लस टू उच्च विद्यालय जयनगर में शिक्षक है। शिक्षक है, धन्यवाद।